वसुधैव कुटुंबकम, प्रकृति के साथ संघर्ष का रास्ता हमें विनाश की ओर ले गया है और आने वाले दिनों में शायद हमारी गलतियां और अधिक नए संकटों को जन्म दे सकती हैं। वेदों में पृथ्वी और पर्यावरण को शक्ति का मूल माना गया है। हमारे यहां कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वीवया। आज हमारे पास जो हरे भरे झाड़ हैं, पेड़ हैं, ये हमारी पूंजी नहीं है। आज अगर हमारे पास नदियों में अच्छा पानी बह रहा है तो हमारी पूंजी नहीं है, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए ये छोड़ करके गए हैं। अगर उनका पुण्य हमारे काम आता है तो हमारा पुण्य हमारे बाद वाली पीढ़ी के भी काम आना चाहिए। हम ऐसी पृथ्वी न छोड़ें जिसके कारण हमारी भावी पीढ़ियां सांस तक न ले पाए। आपके परिवार के वृक्ष होने का भी गर्व होना चाहिए। आप भी दुनिया में जब अपने आप को बताएं, भाई मेरे परिवार के पास 20 वृक्ष हैं, 25 वृक्ष हैं, 100 वृक्ष हैं, कभी न कभी हमें यह स्वभाव बनाना होगा। पानी ये परमात्मा का प्रसाद है, एक बूंद ही बर्बाद हो तो हमें पीड़ा होनी चाहिए। मानव रक्षा के लिए बिजली बचाना जरूरी हो गया है। ये जो कूड़ा कचरा है इसको हम वेस्ट न माने, वो वेल्थ है। और इसलिए 5 जून का प्रकृति के साथ जुड़ने का वैश्विक अभियान हमारा स्वयं का भी अभियान बनना चाहिए।